नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपका यह सप्ताह बहुत बेहतरीन बनाए। आज का विषय है मिथुन राशि 22 से 28 अक्टूबर 2019 क्या कहते हैं आपके सितारे, यानी कि 22 से 28 अक्टूबर 2019 का ये सप्ताह, ये 7 दिन आपके लिए कैसे बीतने वाले हैं जानेंगे इस वीडियो में। और इस सप्ताह में बहुत सारे शुभ पर्व हैं, धनतेरस है, दीपावली है, और आप सभी को धनतेरस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से। यह जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, यह चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे आपके पूरे सप्ताह का हाल कैसे बीतने वाला है, यह सप्ताह क्या शुभ है, क्या अशुभ है, शुभ अंक, शुभ रंग, भाग्य प्रतिशत और वह उपाय जो शत्रुओं से आपको बचाएगा और आपकी खुशियों को नजर नहीं लगने देगा और ग्रहों की चाल को भी सही करेगा और आपके जीवन में प्रसन्नता और खुशियां लेकर आएगा, वह सटीक उपाय उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके परिवार, आपकी मित्रता, आपके शत्रु, आपकी सेहत, आपके बच्चों का हाल, आपके वैवाहिक जीवन, आपके प्रेम संबंध का हाल, सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे, आधा अधूरा देखेंगे तो फिर आधा ज्ञान ही आपको प्राप्त होगा। तो जुड़ जाइए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबाइएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं। चंद्रमा 22 तारीख को कर्क राशि में गोचर करेंगे द्वितीय भाव में। 23 तारीख दोपहर तक 3:30 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे और आपके घर आंगन में मां लक्ष्मी का आना तय है। ये चंद्रमा के यहाँ पर बैठने से आपको मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। द्वितीय भाव में चंद्रमा आपको बेहद खुशी के पल देने वाले हैं। आपके साथ कुछ ऐसे काम जुड़ जाएंगे जो आपके नाम को खूब आगे ऊपर लेकर जाएंगे और शायद जो काम औरों को करने में बड़ी मुश्किलें और दिक्कत आती हो, आपके लिए वही काम बड़े आसान हो जाएंगे। आप बड़ी आसानी से अपना दिमाग लगाकर, अपना चालाक दिमाग लगाकर, चंचलता के साथ, मेहनत के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ मुश्किल कामों को भी आसान कर लेंगे और वक्त पर पूरा कर लेंगे। और वही काम कोई दूसरा होगा तो शायद ना कर पाए। जब आप जल्दी कर लेंगे तो आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे, आपका नाम आगे प्रमोशन के लिए रेकमेंड हो सकता है। और यही काम अगर आप व्यापार में करेंगे तो व्यापार में आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। तो वक्त बहुत बढ़िया है, छोटी बड़ी यात्राएं संभव हो सकती हैं और लाभदायक रहेंगी। आप नया वाहन लेने का सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। आपको भाई बहन व अन्य परिवार के सदस्यों का साथ प्राप्त होगा। आप जो भी निर्णय लेंगे वह निर्णय बहुत सोच समझ कर लेंगे और वह हर हाल में पूरा होगा, यानी आपका निर्णय जो है वो राम बाण होगा, उसमें कोई खतरा नहीं होगा, कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी। आपका निर्णय सत्य, सटीक और लाभदायक होगा, आपके लिए भी, आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी। तो बढ़िया वक्त बना हुआ है। जब वक्त बढ़िया होता है सभी चीजें सही पड़ती हैं और जब वक्त बढ़िया होता है तो ईश्वर के आशीर्वाद से आप वही करते हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा होता है। तो वक्त अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। धैर्य बनाकर रखें, सफलता आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल भी जल्दबाजी में जोश नहीं खोना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। आपकी संतान भी आपको खुशियां देगी, जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। यह समय सफलता का है और आगे बढ़ने का है, तो अपनी तरफ से कोई भी गलती करने की गुंजाइश मत रखिएगा। बहुत प्यार मोहब्बत से आगे बढ़िएगा, वक्त आपके पक्ष में है। अब बात करते हैं 23 तारीख 3:30 के बाद का समय, 24 और 25 तारीख शाम 5 बजे तक के समय की। चंद्रमा तृतीय भाव में होंगे सिंह राशि में। आपको आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ेगी, यानी कि आपके अंदर का आलस जो है वो बिल्कुल गायब हो चुका होगा। आपका आत्मविश्वास बहुत चरम सीमा पर होगा, यानी कि आपके चेहरे से लगेगा कि अब आप तैयार हैं दुनिया को जीत लेने के लिए। आप जो भी निर्णय लेंगे, चाहे वह धन निवेश से संबंधित हो, नौकरी में कोई फैसला लेना हो, व्यापार में कोई निर्णय लेना हो, घर परिवार का कोई निर्णय लेना हो, वह बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा और उसमें सभी का हित और भला छुपा होगा। आपको मेहनत करने के बाद सफलता जरूर प्राप्त होगी। कई बार हम मेहनत करते हैं, हमें सफलता भी नहीं मिलती है, तो मेहनत का फल भी मिलेगा और सफलता भी आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। जो पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको पढ़ाई लिखाई से लाभ होगा। परीक्षा कंपटीशन की जो तैयारी में लगे हुए हैं, विदेश यात्रा में जाने के लिए कोई लोग प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता आपके कदमों में
गिरने वाली है। आज के दिनों में आपके कुछ नए मित्र बन सकते हैं, इन मित्रों से भी आपको अच्छा खासा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके बॉस, आपके सहकर्मी पहले भी आपसे खुश थे, इन तारीखों में भी आपसे खुश होंगे और आपके प्रमोशन के लिए आपके नाम को आगे किया जा सकता है या दीपावली में आपको एक अच्छा बोनस या अच्छी खुशखबरी ऑफिस के से मिल सकती है। और यदि आप व्यापार में हैं तो व्यापार भी दिन दूनी रात चौनी तरक्की करेगा, अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, आपकी बिक्री बढ़ेगी। जो भी काम करते हैं उसमें आपको माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान गणेश की कृपा और श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा मिलती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो वक्त अभी जितना भी हमने दिन देखे वो अच्छे हैं, बेहतरीन है, आपके पक्ष में है। वाहन चलाते वक्त थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा, आपके घर लोगों का आना जाना लग सकता है, आपकी अचानक से मुलाकात किसी पुराने मित्र या किसी बहुत पुराने रिश्तेदार से हो सकती है जिनसे आप काफ़ी समय से ना मिले हों। आज के दिन आपका मूड बढ़िया रहेगा, आप धनतेरस वाले दिन खुशियां पाएंगे भी, खुशियां बांटेंगे भी, खरीदारी करिए और ईश्वर की पूजा अर्चना करिए और आनंद उठाइए। अब बात करते हैं 25 तारीख शाम 5 बजे के बाद का समय, 26 और 27 तारीख शाम 4:30 बजे तक के समय की। चंद्रमा के साथ मंगल होंगे और बनेगा श्री लक्ष्मी योग और चतुर्भाव में योग बन रहा है। उत्तम, सर्वोत्तम, बहुत ही शानदार समय रहने वाला है आपका। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके तमाम दुख दर्द दूर होंगे, आप उन सबसे मुक्ति पाएंगे। एक शानदार वक्त आपके सामने है, घर परिवार के लोगों के साथ बढ़िया आनंद में समय आप बिताने वाले हैं। घर में माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके बड़े बड़े काम होने वाले हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने वाली है। यह दीपावली एक शानदार दीपावली होने वाली है। अब आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा, आप घर के लिए, घर के लोगों के लिए खरीदारी करेंगे, उनको गिफ्ट वगैरह देंगे। आपके माता पिता आपको सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं, हो सकता है आपको कोई ऐसा गिफ्ट दे दें जिससे आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत बड़ी हो जाए। नौकरी व्यापार में बेहद सफलता प्राप्ति के संकेत प्राप्त होंगे। जीवन साथी के साथ थोड़ी सी खटपट हो सकती है लेकिन ये खटपट समाप्त हो जाएगी अति शीघ्र। प्रेमी के साथ, मित्र के साथ आप वक्त बहुत बढ़िया बिताएंगे, जीवन साथी के साथ भी बढ़िया बिताएंगे लेकिन हो सकता है थोड़ा सा नोकझोंक चलती रहे। घर में पूजा पाठ विधिवत होगा, घर में साज होगा, सजावट होगा, सब कुछ आनंद में होगा, ईश्वर की कृपा होगी। आज की शाम बहुत ही बढ़िया बीतने वाली है, आज की सुबह भी शानदार है, आज की शाम कैसी होगी अब जान लेते हैं। अब बात करते हैं 27 तारीख 4:30 बजे के बाद का समय और 28 तारीख की चंद्रमा शुक्र के साथ मोहक योग वैभव लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। पंचम भाव में आपके लिए भाग्य का सपोर्ट खुल जाएगा, आपके लिए यह वक्त सोने पर सुहागा होगा, आपके घर परिवार के बच्चे तरक्की करेंगे, आपके घर परिवार के बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। वैभव लक्ष्मी योग बनने के कारण आपका नाम जो है देश दुनिया विदेश में प्रचलित होगा, व्यापार में बड़ी तरक्की होने वाली है। दीपावली के बाद आपकी जिंदगी एक सकारात्मक मोड़ पर चलने वाली है। बहुत दुख देख लिए, बहुत तकलीफ देख ली, उन सब का समाप्ति का वक्त आ गया है। दीपावली का एक एक दीपक जो प्रकाश देता है वो आपके जीवन में अब सदियों तक, एक लंबे समय तक प्रकाश देता रहेगा और आप खुशहाल रहेंगे। आप लोगों की पदोन्नति होगी, आपकी सफलता के पूर्ण चांस हैं, खेल कूद से जुड़े लोगों को लाभ होगा, पढ़ाई लिखाई से जुड़े लोगों को लाभ होगा। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा से, गणेश जी की कृपा से यह दीपावली और यह सप्ताह बेहतरीन बना हुआ है। एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए और बिल्कुल भी अपने अंदर नेगेटिविटी मत आने दीजिएगा। देखिए, एक बात को मैं बता देता हूँ, माँ लक्ष्मी हो या कोई अन्य देवी देवता हो, जहाँ पर नकारात्मकता है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, जहाँ पर बुरी सोच है, वहाँ पर वो कभी वास नहीं करते हैं। अगर आप अपने दिमाग में नकारात्मक विचार को लेकर चलेंगे, यही सोच कर बैठेंगे मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतने सालों से नहीं हुआ अब क्या होगा, तो फिर आप यकीन मानिए इस साल भी कुछ नहीं होगा। अपनी इस नकारात्मक सोच को बदलिए, घर में साफ सफाई करिए, अपने आप को शुद्ध करिए, अपने आप को शुद्ध अंदर से करिए। सिर्फ नहा लेने से, साबुन लगा लेने से, बाल संवार लेने से शुद्धता नहीं आती है, अंदर से अपने दिमाग को भी शुद्ध करिए, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने हृदय को भी शुद्ध करिए और फिर उस पर से अपने शरीर को भी शुद्ध करिए, फिर देखिए क्या आनंद मिलता है। तो जब तक साफ सफाई दिमाग की, दिल की, अंदरूनी नहीं होगी, और बाहरी तो करनी ही करनी है, तब तक सफलता आपसे दूर रहेगी। तो अपने मन को साफ करिए, अपने कर्मों को अच्छा करिए, मेहनत करिए,
और एक बात याद रख लीजिए, ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये कोई मेरी द्वारा लिखी गई जानकारी नहीं है, मैं तो ग्रह सितारों के आधार पर बात करता हूँ, मैं भी उनसे बंधा हुआ हूँ। अब ग्रह सितारे आपके लिए बेहतर है, अन्य राशि वालों के लिए भी बेहतर है, वैभव लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, कहीं धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सचिन जी को मिथुन राशि वालों से ज़्यादा प्यार है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, बाकियों के लिए बुरा बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर अच्छा है वहाँ पर अच्छा है, जहाँ पर बुरा है वहाँ पर बुरा है। तो यकीन मानिए आपके लिए वक्त अच्छा है तो लाभ उठाइए, और नकारात्मक सोच वाले लोगों का तो भगवान भी भला नहीं कर पाया है, तो मैं और आप क्या करेंगे। तो मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा, इस वक्त को एंजॉय करिए, नकारात्मक सोच से मुक्ति पाइए। बात करते हैं आपके भाग्य प्रतिशत की, वो रहेगा 75%, शुभ अंक रहेगा 1 और चमकीला पीला कलर आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। कुछ उपाय जान लेते हैं, उपाय क्या करने हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, बढ़िया है, करनी भी चाहिए, और कैसे करनी है। माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए, साथ में श्री हरि नारायण विष्णु की भी आराधना करिए, तभी आपके घर में लक्ष्मी टिकेंगी। नंबर 1। नंबर 2, तो लक्ष्मी जी को जो भी प्रसाद बनाए उसमें तुलसी का प्रयोग मत करिएगा, या तुलसी के बीज का प्रयोग, या मंजरी जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग बिल्कुल भी मत करिएगा। लक्ष्मी जी को लाल पुष्प चढ़ाइए, सफेद पुष्प या सफेद वस्त्र बिल्कुल भी मत चढ़ाइए। जब भी आप पूजा आरती गाएं तो उसमें बहुत धीमे स्वर में गाएं, बहुत तेज तेज ना गाएं, चीखें चिल्लाएं ना, तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को शोर शराबा पसंद नहीं है। जब आपके घर में पूजा हो रही हो तो उस समय अंतराल में शांति हो तो बहुत बेहतर रहेगा, घर के लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें और घर के सभी लोग पूजा में शामिल हों तो बहुत बेहतरीन रहेगा। और कोशिश करें कि गाय के देसी घी का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने जलाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। दीपावली की इस रात्रि में आपको कुछ ऐसे दिए, कम से कम 11 दिए ऐसी जगह पर जलाने हैं जहाँ पर अंधकार होता है, जहाँ पर कोई दिया नहीं जलाता या कोई भी वहाँ जाता आता नहीं है और अंधेरा अंधेरा ही रहता है, तो वहाँ पर जाकर एक प्रकाश का दीपक जलाइए, आपके जीवन में प्रकाश आना निश्चित है। तो किसी गरीब की सहायता करिए, किसी गरीब के घर में दिया जलाइए, किसी गरीब को रोटी दीजिए, किसी गरीब का पेट भरिए, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होंगी। और आप खूब दीपावली मनाइए, खूब पैसे का खर्च करिए, खूब मिठाइयों का लेन देन करिए, खाइए भी खिलाइए भी, लेकिन किसी गरीब का शोषण मत करिए, उसको दुत्कारिए मत। अगर कोई गरीब आपके घर आज कुछ मांगने आता है तो खाली हाथ मत लौटाइएगा। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। इसके साथ साथ आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, और इसके साथ साथ हनुमान चालीसा को भी पढ़ लीजिए। भगवान की भक्ति के लिए सिर्फ इतना वक्त दीजिए, और आप देखिए अगर ये सब काम करने में आपको आधा घंटा लग भी जाता है प्रतिदिन, तो आपके जो बाकी वक्त है वो इतना शानदार और जानदार होगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो आप सबको दीपावली की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की भी शुभकामनाएं। धनतेरस में पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के करें, सब कुछ करें। अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो सोना चांदी हीरे जवाहरात जो खरीदना है सो खरीदें, उसके साथ साथ पीतल का एक बर्तन जरूर खरीदें, पीतल खरीदना आज के दिन बेहद शुभ रहता है। लाखों की शॉपिंग करिए लेकिन पीतल भी उसमें शामिल करिए। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, और हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुँच गए। सबका, सभी राशि वालों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाने में। आप सबकी खुशियाँ माँ लक्ष्मी बना के रखें, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप लोग खुश रहें, आनंद में रहें। हरिओम नमस्कार।